हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडवोकेसी टॉक्स विद वजदान। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं मुल्तान के बहुत ही मशहूर और मरूफ शख्सियत सैयद जाफ़िर त्यार बुखारी साहब। प्रेजेंटली ही इज़ अ मेंबर पंजाब बार काउंसिल एंड ही रिमेन टू टाइम्स जनरल सेक्रेटरी ऑफ लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान बेंच। और मैं अगर इनकी शख्सियत का एक ख़ास अगर एक करेक्टरिस्टिक बताऊँ तो वो है इनका अखलाक। ये ख़ास तौर पे नौजवान वकला के साथ इतने खूबसूरत अंदाज से पेश आते हैं कि इस वक्त मुल्तान बार, सिर्फ मुल्तान बार ही नहीं, जितनी भी रिलेटेड बार्स हैं लाहौर हाई कोर्ट बार मुल्तान बेंच से, वो सारे यंग ख़ास तौर पे जो वकला हैं वो इनके दीवाने हैं। तो आई वार्मली वेलकम टू यू सर दिस टॉक एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह ब्लेस यू वजदान। सर, आज जो हमने आपको यहाँ पर बुलाया है, हमारा टॉपिक जो है इस इंटरव्यू का, वो सर ये है कि बहुत सारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स जब लॉ कर लेते हैं तो उनके जहन में ये बड़ा क्वेश्चन होता है कि हमने लाइसेंस कैसे लेना है। जाहिर सी बात है, हर फैमिली में वकील नहीं होते, हर फैमिली में जज नहीं होते, किसी का बड़ा भाई वकील नहीं होता, तो उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम है कि लाइसेंस किस तरह से लेना है। तो ये हमारा टॉपिक है और मेरा सर आपसे पहला सवाल ही सिर्फ यही है कि एक फ्रेश लॉ ग्रेजुएट जब कचहरी में एंटर हो, उसने लॉ कम्प्लीट कर लिया है, तो क्या ये ज़रूरी है कि उसका रिजल्ट आए या रिजल्ट के बाद आए, रिजल्ट से पहले, और वो कचहरी में आकर किसको मिले, क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करें? देखिए वजदान, ये लॉ कॉलेजेस की जिम्मेदारी है कि लॉ कॉलेजेस अपने स्टूडेंट्स को ये अवेयरनेस दें। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आप जब तक लॉ कंप्लीट नहीं कर लेते, आपका सेमेस्टर सिस्टम कर रहे हैं या एलएलबी पार्ट थ्री कर रहे हैं, जब तक आपका फाइनल का रिजल्ट नहीं आ जाता, आप इंटीमेशन अप्लाई नहीं कर सकते। एक चीज़ यहाँ मैं और आपको क्लियर कर दूँ कि गेट इज अ पार्ट ऑफ योर डिग्री, गेट इज अ पार्ट ऑफ एलएलबी डिग्री। It is not imposed by any bar council. It is a condition imposed by the Supreme Court Bar Association. आप intimation भेज सकते हैं जब आपका final result आ जाता है। इसका fee schedule आपने screen पे वाजे किया हुआ है। और intimation के लिए ज़रूरी है कि आप अपना ID card की copy, 3 passport size photo with red knot, matric, FA, BA, LLB के results card की copy, और जो फी शेड्यूल है इसके मुताबिक आप हबीब बैंक में वो चलान जमा कराएंगे। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़, आप सीनियर जो रखेंगे वो एडवोकेट होगा जिसकी स्टैंडिंग 10 साल होगी, 10 साल या 10 साल से ज़्यादा। 9 साल वाला जो एडवोकेट है वो इंटीमेशन नहीं भेज सकता। और सर, वो मुलाकात आकर डायरेक्ट मेंबर पंजाब बार से करेंगे? हाँ, ये देखें, ये बड़ा ज़रूरी है। बेसिकली तो जो बार एसोसिएशन हैं ये उनकी जिम्मेदारी है कि बार एसोसिएशन जो हमारा प्रेसिडेंट है, हमारा सेक्रेटरी है, हमारा लाइब्रेरियन है, वो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। और साथ साथ ये मेम्बरान पंजाब बार की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने आने वालों को खुश आमदीद कहें और उन्हें ये गाइडलाइन दें। राइट। अच्छा सर, एक और बड़ा प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ कि एक प्रैक्टिकल प्रोसीजर अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ पे हमें समझा सकें कि एक बच्चा प्रैक्टिकली कैसे लाइसेंस ले सकता है। ये तो आपने पहले जैसे इंटीमेशन के हवाले से बताया है हमारी ऑडियंस को, तो आप सर ये बताएं कि लाइसेंस के लिए क्या प्रैक्टिकल प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा आफ्टर पासिंग लॉ गेट एंड आफ्टर सेंडिंग इंटीमेशन। देखें, इंटीमेशन के 6 माह हैं। अभी तो कंडीशन ये है कि आप इस 6 माह में अपना लॉ गेट करेंगे, और जब आपके 6 माह पूरे हो जाएंगे, आप अपनी बार एसोसिएशन, मुतलका बार एसोसिएशन की लाइब्रेरी में प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या मुतलका मेंबर पंजाब बार के पास जाएं और उसे जाके अपनी दोबारा मैट्रिक, एफए, बीए, एलएलबी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो विद ब्लैक नॉट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जिस कॉलेज से आपने लॉ किया था वहाँ से आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट ओरिजिनल प्रोवाइड करेंगे। और फी शेड्यूल है जो आपने स्क्रीन पे वाजे किया हुआ है, वो एज वाइज आप अपनी फीस हबीब बैंक में जमा कराएंगे। यहाँ एक चीज़ और मैं क्लियर करता चाहूँ, यहाँ फी में एक एग्जेम्पशन है, वो लॉयर्स फैमिली की एग्जेम्पशन है, यानी लॉयर्स फादर, लॉयर मदर, लॉयर ब्रदर, लॉयर सिस्टर, लॉयर वाइफ, लॉयर सन, लॉयर डॉटर को 4,000 रुपये PLJ फीस की एग्जेम्पशन मिल सकती है। वो से जिसकी एज 25 से कम है, वो 17,050 रुपये भरने की बजाय वो अपने वाले साहब का या अपनी वालदा का कार्ड साथ ले जाएगा और उसकी 4,000 रुपये फीस कम होगी और वो 13,050 भरेगा। राइट। अच्छा सर, नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन है वो ये है कि जब आप लाइसेंस ले लेते हैं
अक्सर हम सुनते हैं कि जी आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपका लाइसेंस डे से स्टार्ट नहीं होता, एक कोई मेंबरशिप लेनी पड़ती है बार की, तो ये भी काइंडली बताएं ये मेंबरशिप क्या होती है। वजदान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आजकल जिस तरह सिविल जजेस के पेपर आए हुए हैं, सिविल जजेस के लिए उन्हें एक्सपीरियंस मांगा है 2 साल के लिए, या हाईकोर्ट का लाइसेंस आप 2 साल के बाद लेते हैं, तो जब ये पंजाब बार या कोई बार एसोसिएशन आपको कार्ड इशू करती है तो आपका एक्सपीरियंस उस दिन से शुरू नहीं होता। से आपका लाइसेंस 23/6/2020 को पंजाब बार ने इशू किया है, तो जब तक आप अपने मुतलका बार में जाके अपनी मेंबरशिप नहीं लेंगे आपका एक्सपीरियंस स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ ये एक चीज़ और भी आपको क्लियर करता चाहूँ, अगर आप LLM में एडमिशन लेंगे तो वो भी आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, वो भी 2 साल आपको एग्जेम्पशन देनी पड़ेगी। राइट। अच्छा सर, ये भी एक बड़ा ना लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा यूनिक सी टर्म्स होती हैं, बार काउंसिल एंड बार एसोसिएशन, तो ये काउंसिल और एसोसिएशन का डिफरेंस भी अगर आप समझा सकें। हाँ। देखिए, बार एसोसिएशन है जहां आप प्रैक्टिस करते हैं उनके, और बार काउंसिल सुपरवाइजरी इदारा है। बार काउंसिल आपको सुपरवाइज करती है जबकि बार एसोसिएशन आपको असिस्ट करती है, आपको लीगली जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपके चैम्बर की, आपकी बुक्स की, आपकी लाइब्रेरी की, या आपको असिस्टेंट की, आपको सीनियर की प्रोवाइड करती हैं, वो बार एसोसिएशन करती हैं। right. जबकि बार काउंसिल जो है वो सिर्फ सुपरवाइजरी इदारा है। राइट सर, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हैं वो बहुत सारे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई और आपकी कोई क्यूरीज हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप, और ये जो गिवन नंबर है इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जाफिर साहब, आपने हमें अपना टाइम दिया। और सर लास्ट में आप जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनको करियर के हवाले से अगर कोई एडवाइस करना चाहें तो। वजदान, ये बड़ा ज़रूरी है वकील के लिए। एक तो वैसे एक कोटेशन है कि मेहनत में अज़मत है, वकील के लिए अच्छा इखलाक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना आपका इखलाक अच्छा होगा उतने आप अच्छे इंसान और अच्छे वकील बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ब्लेस यू।